15 Pro Max यहाँ पे बैठ के इसकी ना अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आज ही हमने ऑर्डर किया है करेले और साथ दाल चना, ये अजी रोटी पाकिस्तानी होटल। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी मस्जिद है, अभी असर की नमाज पढ़ी है और सामने इसके बेहतरीन किस्म का पार्क बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा चौथा दिन है रियाज, आज यौम अल वतनी भी है, 23 सितंबर है। इंशाल्लाह इधर बहुत ज्यादा रश होगा। आज हमने जाना है कंप्यूटर मार्केट में, मैंने एक लैपटॉप लेना था, गेमिंग लैपटॉप, उसके बारे में देखना है और फिर कोई जॉब वगैरह का क्या सीन है वो भी देखते हैं। अभी जी एक दफ़ा फिर आपका भाई अकेला निकल पड़ा है, रोड पे जा रहा है, अब उस साइड पे जाना है। ये जी हमारे सामने हार्डीज है और यहाँ से सीधा हमने जाना है, इस बस में बैठना है हमने, ये है रियाज बस, वहाँ पे इसका स्टॉप होगा, वहाँ पे बैठेंगे। ये जी ब्रिज के नीचे का मनाजिर है। ये जी पास में नर्सरी थी तो मैंने सोचा इधर भी घूम लिया जाए, ये सारे ताज़ा फूल है, प्लास्टिक वाले नहीं है। क्या बात है, क्या नर्सरी बनाई हुई है। ना तकरीबन मैं आधा किलोमीटर चल के आया हूँ इसके पास, ये है रियाज बस सर्विस। अभी वेट करते हैं यहाँ पे जब तक आती है बस। आउट ऑफ सर्विस मिजर, तकरीबन जी 10 मिनट गुजरने के बाद ये बस आ रही है, पहुँचने वाली है, आ चुकी है बस। अभी जी हम गैलरी रियाज गैलरी माल के बिल्कुल सामने उतरे हैं इस बस में, रियाज बस में। तो मैं वैसे तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाना था, लेकिन सोच रहा हूँ इस रियाज गैलरी माल को भी घूम लें हम। गेट वन। चले जी भाई जान, गाड़ी लगी हुई है, एंट्रेंस है बेहतरीन किस्म की। आज ना यौम अल वतनी भी है तो देखते हैं क्या है अंदर से। लिफ्ट जी बंद हैं तो इसलिए अपनी मदद आपके तहत सब ऊपर जा रहे हैं भाई, सब ऊपर के नज़ारे हैं सारे मॉल के। नीचे साउंड चले हुए क्योंकि आज यौम अल वतनी है, तो ये है गैलरी रियाज गैलरी मॉल बेहतरीन। थोड़ा सा जी आगे गए हैं तो ये वाला सीन है अंदर, क्या सीन है। नीचे जाते हैं, अभी नदी बनाई हुई है इसके अंदर, यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ पर ख़त्म हो रही है, वाह। इसके अंदर इस साइड पे सारा एक्स्ट्रा है और मुख्तलिफ ब्रांड हैं सारे, वो लास्ट तक है। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा में जाते हैं, कोई चीज़ है ऑफर में। ये सारा ओरिजिनल माल पड़ा हुआ है सारा एप्पल का, ये जी 40% ऑफ है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जी यहाँ पे कैमरे वगैरह पड़े हैं और वायरलेस मैक के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, अभी मिल जाता है तो देखते हैं। अच्छा आपके भाई ने ना ये वाला मैक ले लिया है इधर से, बोया का वायरलेस मैक, ये कितने में मिला है, 193 रियाल का। लो जी वायरलेस मैक मिल गया हमें। अभी ना इस माइक की टेस्टिंग करते हैं कहीं पे बैठ के ना, क्योंकि ये मॉल है तो मॉल में शोर भी ज़्यादा है, इसलिए इसको अच्छे तरह से चेक कर लेंगे यहाँ पे बैठ के, इसकी ना अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम जल्दी से, इसकी क्वालिटी भी चेक करनी है। दो ट्रांसमीटर हैं और एक ये डिवाइस, और बैक पे इसके दो केबल्स हैं, तो अभी इसको लगा के चेक करते हैं। अभी जो ये साउंड आ रहा है ना, ये इस माइक के ज़रिए आ रहा है, अभी माइक लगाया कॉलर मैक, ये यहाँ पे लगाया है, अभी इसके इसका ये साउंड आ रहा है बेहतरीन आ रहा है। बाकी ये सारी जो चीज़ है ना ये बैग के अंदर डालते हैं, बस अभी इस मैक का ज़रिए
रिकॉर्डिंग करते हैं जो अभी करनी है। अभी सही आवाज़ आ रही है हमारी। ये अभी थर्ड फ्लोर का नज़ारा है यहाँ का, गैलरी मार रियाज की, बच्चों का एरिया है। क्या ज़बरदस्त एरिया बनाया, फ्लिंग भी कर सकते हैं, ज़बरदस्त। ये चीज़ बदरी फ्री है या इसके पैसे लेते हैं या बॉलिंग करने के, मुझे कन्फर्म नहीं है इसके बारे में। एलिवेटर के ज़रिए हम जाते हैं नीचे। क्या सीन है यार नीचे भाई जान, ग्राउंड फ्लोर, और ये नज़ारे हैं भाई जान। ये जी सारे नेकलेस और लड़कियों की चीज़ें पड़ी हैं। फाइनली हमें ना आईफोन 15 प्रो मिल गया है, 15 प्रो है, क्या बात है। और ये है प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स। ये प्लस है, 15 प्लस। ये कौन सा है, 14 है। ये साइज सही है, ये वाला जो साइज है ना ये सही है, 14। और ये वॉच है अल्ट्रा, ये अल्ट्रा 2, 3500-3600 रियाल की। ओए 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 ओए, बहुत महंगा काम है। आईपैड, ये जी ये वाली चीज़ बड़ी अच्छी है। अच्छा ये सीरीज़ 9 वॉच पड़ी हुई है, कितने की है, 1900 की है ये पड़ी है सीरीज़ 9, बहुत प्यारी है यार। ये एप्पल स्टोर है इसी गैलरी मॉल में, रियाज गैलरी मॉल। ये जी मैकबुक प्रो है, 6000 रियाल की है। और ये है भाई जान 12000 रियाल की मैकबुक प्रो 16। इधर भी हैं, ये आ रहे हैं इधर, इतने के 6000, तकरीबन 5199। और ये 3600 की है ये वाली मैकबुक की है। ये वॉच सही है, ये ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे तो। लो जी पूरा एप्पल विज़िट कर लिया हमने। अच्छा मुझे ना 15 और 14 में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस वो ना क्या कहते हैं थोड़ा बहुत कैमरे में थोड़ा सा फ़र्क डाला है कि वो ना जूमिंग लेंस थोड़ा बड़ा कर दिया, बाकी सेम वो टेलटीनियम जो कह रहे हैं कोई इतना महसूस नहीं हो रहा उसका फ़र्क, ऐसा लगता है जैसे 14 ही पकड़ा हुआ है। अच्छा इस टाइम आपका भाई ना रियाज गैलरी मॉल के बिल्कुल सामने खड़ा है, गेट नंबर 4 के बाहर। और ये पीछे जो बिल्डिंग है ना, क्या ही मज़े की बिल्डिंग है। यहाँ ना कुछ फोटो बनाने के बाद आपका भाई निकल गया है। दगेगा दगेगा, रो अच्छा आपका भाई यहाँ पे रुका है, यहाँ पे आ गया। बहुत प्यारी जगह है यार, ये क्या नाम है इसका पता नहीं। तो मैंने सोचा इधर बैठ के ना थोड़ा बोल लूँ मैं, तो यहाँ पे अगर DSLR होता ना तो मज़ा ही कुछ और होना था यार, कुछ और मज़ा होना था, लेकिन चलो ठीक है। ये यहाँ पे बहुत प्यारा है, फ़ोटो आ सकते हैं पीछे बहुत दूर तक, मतलब बैकग्राउंड है, और बहुत प्यारी जगह बनी हुई है सच में। एक दफ़ा फिर आपका भाई इधर से ही गुजर रहा था तो सोचा इधर आकर देखते हैं कोई सीन वगैरह हैं, लेकिन कोई मतलब सीन नहीं है। अभी हम जाते हैं फैसलिया में, उधर ना क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का पता करना है, इसलिए उधर से ना फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। ये जी पीछे हमारे किंगडम टावर है, किंगडम सेंटर। 2 दिन या 3 दिन पहले हम इसके ऊपर फुल टॉप पे गए थे तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था यार ऊपर का। अभी जी ये हमारे पीछे ना फैसल बिल्डिंग है, और यहाँ थोड़ा सा आगे है कंप्यूटर मार्केट जी, किंग फॉर लाइब्रेरी पार्क है। इधर सारी चीज़ें बेच रहे हैं और इधर कुछ खा पी रहे हैं बैठ के। एक आइसक्रीम हमारे लिए यहाँ पे मिल रही है, पता नहीं कितने की मिलती है, अभी चेक करते हैं। 5 रियाल की आइसक्रीम है, कौन
अभी इसको पैसे मैं दे लूँ। खेल मेरे ख्याल में नहीं है, बाहर ही कोई सॉन्ग वगैरह ये ना सऊदी लोग मतलब वो सामने खड़े हैं, ये कोई सॉन्ग वगैरह इधर ही सुनाएंगे। लाइब्रेरी दूसरी आइसक्रीम ली है एक और जगह से, बड़ी प्यारी 5-6 रियाल की आइसक्रीम, तो मज़े की है। ऐसा पहली गाड़ी नज़र आई है इस टाइप की मुझे रियाज में। जो सारी मार्केट है ना ये लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये तो हम देखने आए हैं। इसमें सारा माल लैपटॉप कंप्यूटर्स, बहुत बड़ा माल है। ये सारे गेमिंग पीसी पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर का दूसरा एलईडी रिपेयरिंग का काम नहीं है? क्या मतलब वो एलईडी टीवी नहीं होता बड़ा, वो रिपेयर कहाँ पे करते हैं? इधर नहीं मिलता, आपको मिलेगा धीरा में। एक दो शॉप बोली तो हैं उन्होंने? नहीं नहीं, नहीं, अभी नहीं, कोई भी शॉप नहीं है। सेकंड फ्लोर पे बोला तो है। अब जाओ, धीरे जाओ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी अरबी मौजूद गेमिंग लैपटॉप मुस्तमिल आजा आजा काम 2000 और स्पेसिफिकेशन 16 GB RAM 500 NVIDIA GeForce 4 GB i7 11th generation as a GPU कम 16 NVIDIA GeForce 4 GB। तो बड़ा माल है, जैसे फेस सेंटर नहीं है इस तरह का, पूरा सेंटर है। ये सारी जो है ना मार्केट लैपटॉप गेमिंग पीसी। तो हम आ जाते हैं एक शॉप के अंदर और यहाँ पे जो सिस्टम पड़े होते हैं, आए हाय मज़ा आ जाता है इनको देख के। और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये माउस देखें आप और इनकी कीमत, और ये एनवीडिया कार्ड। खैर आपका भाई बाहर आ जाता है और बाहर के माहौल शानदार होते हैं और माशाल्लाह लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, हर तरफ शोर ही शोर होता है। और ये रोड मुकम्मल फुल होता है ट्रैफिक से, और हर गाड़ी के ऊपर झंडा, तकरीबन हर गाड़ी पे झंडा होता है और लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये किंगडम टावर जो कि मुकम्मल ग्रीन होता है। और तकरीबन आपका भाई आधा घंटा तो देखता है फिर आ जाता है। आप 7 रियाल अभी देने हैं या बाद में? तो यहाँ पे भाई साहब हम अपने कपड़े देते हैं वॉश होने के लिए। सतार बख्श केड़ा है ना, ए बहुत ज़्यादा है सतार बख्श सऊदी एच। जी हम चेक करने वाले हैं ये होटल। ये जी हमारी गरम गरम चाय तैयार हो रही है, ये फ्री वाला जूस। अच्छा इस डिश का नाम तो दस दियो यार। अच्छा तो आज हम गए थे मार्केट में, कंप्यूटर मार्केट, और वहाँ पे मैंने सोचा एलईडी रिपेयरिंग का भी काम होता होगा, तो वहाँ पे कोई शॉप मुझे नज़र नहीं आई, तो कोई जॉब वगैरह का सीन नहीं था उधर, सारे इंडियन और बांग्लादेशी थे ज़्यादा उस मार्केट में, तो जॉब वगैरह का कोई सीन नहीं मिला। तो और उन साहब ने बोला है धीरा में या पता नहीं इधर कहीं कोई इस इलाके में एलईडी रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो अभी देख रहा हूँ मैं, या तो अभी उमरे पे जाऊँगा इंशाल्लाह मक्का, तो देखते हैं, या फिर आफरुल बादन वापस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और इंस्टा पे भी जाके फॉलो करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।